अगर आप डेविड वार्नर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और ऐसे में आईपीएल के 12वें मुकाबले में हैदराबाद की टीम को लखनऊ की टीम से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हैदराबाद के खिलाड़ी भड़क गए हैं और हैरान कर देने वाले बयान दिए हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं हैदराबाद के खिलाड़ियों ने क्या कहा अपने बयान में। लेकिन उससे पहले तक आपको क्या लगता है, केन विलियमसन और डेविड वार्नर में से कौन है बेहतरीन कप्तान? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2022 का 12वां मुकाबला लखनऊ और हैदराबाद के बीच खेला गया और इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए लखनऊ की टीम को आमंत्रित किया, जिसमें लखनऊ की टीम ने पहले 3 विकेट 27 रन पर खो दिए थे और इसके बाद कप्तान राहुल और दीपक हुड्डा ने पारी को संभाला और दोनों ने अर्धशतक जड़ते हुए टीम को 169 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में पहुंचा दिया और 170 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें रोमानिया, शेफर्ड, वॉशिंगटन सुंदर और नटराजन ने 2-2 विकेट हासिल किए। तो वहीं हैदराबाद की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हैदराबाद के शुरुआती 2 विकेट 38 रन पर गिर गए, लेकिन इसके बाद कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और छोटी छोटी पारी खेलने के कारण हैदराबाद की टीम इस रोमांचक मुकाबले में अंतिम ओवर में 12 रन से हार गई। तो वहीं गेंदबाजी में सर्वाधिक आवेश खान ने 4, कुणाल पांड्या ने 2 और जैसन होल्डर ने 3 विकेट हासिल किए और हैदराबाद की टीम को 20 ओवर में 158 रन 8 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। जिसके बाद हैदराबाद के खिलाड़ियों का बयान सामने आया, जिसमें भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि हैदराबाद की टीम की दुर्गति जब से हुई है, जब से हैदराबाद के स्टाफ और खिलाड़ियों में थोड़ी अनुमति चल रही थी, क्योंकि अगर दो विभाग आपस में टकराव के साथ रहेंगे तो किसी का भी कार्य पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इस बात को हैदराबाद की टीम नहीं सोच रही थी और हैदराबाद की टीम ने नीलामी से पहले डेविड वार्नर को नीलामी में भेज दिया और अपनी टीम से बाहर करके बहुत ही खतरनाक फैसला ले लिया, जिसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है और लगने लगा है कि डेविड वार्नर को दोबारा से टीम में बुलाना होगा। तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने कहा कि हैदराबाद की काया पूरी तरीके से जब पलटी जब हैदराबाद की टीम की कप्तानी विलियमसन को सौंप दी गई, बल्कि हैदराबाद के लिए सबसे सफल कप्तान डेविड वार्नर थे और डेविड वार्नर सबसे सफल कप्तान थे और उनको अपनी टीम से बाहर रखते हुए उन्होंने बहुत गलत किया, अपने स्क्वाड से ही उन्होंने उसको बाहर कर दिया, जिसके बाद डेविड वार्नर ने दिल्ली की टीम में एंट्री ली और दिल्ली में उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें नीलामी में मोटी रकम देते हुए प्रवेश कराया था। तो वहीं इमरान मलिक ने कहा कि हैदराबाद की टीम 2016 के बाद से पूरी तरीके से बेकार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, बल्कि हैदराबाद की टीम के लिए सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान डेविड वार्नर ही थे, लेकिन डेविड वार्नर को हटाकर किसी और पंचर वाले को मौका दिया जा सकता है, लेकिन दोनों टीमों के बेहतरीन प्रदर्शन न होने के कारण हैदराबाद की टीम बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है और इस आईपीएल में हैदराबाद की टीम को एवं डेविड वार्नर के न होने से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और इसी कारण से लखनऊ की टीम को बहुत ही सुंदर तरीके से जीत भी मिल गई। दोस्तों हैदराबाद की टीम से डेविड वार्नर को हटाना हैदराबाद के लिए फायदेमंद साबित हुआ या नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।